की जो सरकार जा रही है और मुख्यमंत्री से उनको डांट मिल रही होगी तो इस अफरा तफरी में उनको खाली यही दिख रहा है। सांसद देवजी पटेल ने ली जीवाणा मंडल कार्य समिति की बैठक। भारतीय जनता पार्टी का एक दिवसीय मंडल कार्य समिति की बैठक सौंदरी समाज छात्रावास जीवाणा में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न संगठनात्मक चर्चाओं के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा हुई। बैठक में सांसद देवजी पटेल व विधायक जोगेश्वर गर्ग मौजूद रहे। अतिथि जनों ने भारत माता व वीर सावरकर की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक के प्रारंभ में मंडल प्रभारी रमेश सोनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि राजस्थान सरकार ने सत्ता की आड़ में राजस्थान की जनता के साथ खेल खेला है, लेकिन जनता वास्तविकता जानती है और अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया होना तय है। जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने विदेशों में देश का गौरव बढ़ाया है, साथ ही आमजन के हितों में ध्यान रखते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है। सांसद देवजी पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि संगठन द्वारा आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर जिले सहित प्रदेश भर में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। जिले में डेटा प्रबंधन अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता का पंजीकरण, महासंपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जागरूक करना तथा प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत कांग्रेस सरकार की नाकामियों से जनता को जागरूक करने का काम किया जाएगा। इस दौरान कई भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। साहब, ऐसा है कि एमपी कोटे से हमने सभी पंचायत समिति को फायर मिनी फायर ब्रिगेड के लिए कहा था कि आप मिनी फायर ब्रिगेड ले लीजिए और उससे यहाँ के कहीं भी अगर कोई ऐसी आगजनी की घटना हो तो लाभ लोगों को मिले उसको बुझाने में। लेकिन यहाँ की पंचायत समितियाँ जो है शायद वहाँ से कोई प्रस्ताव नहीं आया होगा। अभी परसों हमारी दिशा की बैठक है, उसमें समीक्षा बैठक में हमने इस विषय को, अरे 4.5 साल जिस सरकार के ये राज्य मंत्री बन के मजे ले रहे हैं वो सरकार काम तो बताए, हमने तो अभी काम बताया है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा दिलवाया, 1 लाख के करीब हम प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं। जो 50 साल में ये स्कूलों के अंदर विद्युत कनेक्शन नहीं दे पाए उन स्कूलों के विद्युत कनेक्शन के लिए सांसद कोष का उपयोग किया, जो लैब सांसद कोष से बनाई है, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर को जल देने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, नर्मदा जब टूट गई थी उस नर्मदा को रीस्टैंड करने के लिए हमने पैसा लगवाया था। ये सांडे राव से बालोतरा हाईवे पे शायद पुखराज परासर जी घूमते नहीं होंगे, और जिस स्कूल में पुखराज परासर बोलते हैं कि यहाँ पे सांसद इस गांव में नहीं आए, वहीं पीछे मैंने उद्घाटन किया था। शायद वो क्या है कि अभी उनकी जो सरकार जा रही है और मुख्यमंत्री से उनको डांट मिल रही होगी तो इस अफरा तफरी में उनको खाली यही दिख रहा है।